हाय, हाउ आर यू ऑल टुडे। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपको, तो प्लीज पुट अ कमेंट, आई विल गिव द आंसर राइट अवे। और आज का जो हम लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, इसमें बेसिकली हम क्या बात करेंगे, एज एंड सेक्स रिलेटेड डिफरेंसेस एंड देयर इम्प्लीकेशन फॉर रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस। इसका मतलब क्या है, अगर कोई स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच है तो वो किस तरीके से अपने मेल को, फीमेल्स को वर्कआउट कराए, जो अभी जिन्होंने प्यूबर्टी हिट की है, जो अभी छोटे हैं, जिनकी एज कम है, और एक सर्टेन एज को जब क्रॉस करने के बाद जो हमारे ओल्ड एज पीपल होते हैं, उनको किस तरीके से वर्कआउट कराया जाए, किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, उनके वर्कआउट पैटर्न्स को कैसे डिजाइन करना है, किन पर्टिकुलर टास्क को हमको उनको असाइन करना है जिनसे उनका न्यूरल कंट्रोल ज़्यादा अच्छे तरीके से डेवलप हो, और कैसे उनकी बॉडी में मसल्स, बोन स्ट्रक्चर किस तरीके से बेटर तरीके से डेवलप हो सकते हैं। ठीक है, आज हम इस चीज को स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी हमारे चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्या है, इवैल्यूएट एविडेंस रिगार्डिंग द सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एक्सरसाइज फॉर चिल्ड्रन। मतलब जो छोटे बच्चे हैं, जिसमें छोटे बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, जिनकी जिन्होंने अभी प्यूबर्टी हिट नहीं की है, जिन्होंने 10 या 12 साल की एज को क्रॉस किया है, तो उनको किस तरीके से वर्कआउट कराए जाते हैं या कराए जाने चाहिए, किस तरीके से उनके पैटर्न्स डिजाइन करने चाहिए। डिस्कस सेक्स रिलेटेड डिफरेंसेस इन मस्कुलर फंक्शन एंड देयर इंप्लीकेशन फॉर फीमेल एथलीट्स। जैसे सबको ही पता है, देयर आर सर्टेन फिजियोलॉजिकल डिफरेंस है मेल और फीमेल में, तो फीमेल एथलीट्स के लिए, फीमेल्स के लिए किस तरीके से आपके प्रोग्राम डिजाइन किए जाते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट आता है, जिसको हम डिस्क्राइब इफेक्ट्स ऑफ एजिंग ऑन मस्कुलोस्केलेटल हेल्थ एंड द ट्रेनेबिलिटी ऑफ ओल्डर एडल्ट्स। तो मतलब जैसे लोग एक सर्टेन एज को क्रॉस कर जाते हैं, तो उनकी जो मस्कुलेचर है, उनके जो मस्कुलर सिस्टम है, उनका जो स्केलेटल सिस्टम है, उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, और कैसे आप उनको सेफली वर्कआउट करा सकते हैं, ताकि जो उनकी डीजनरेशन है उसको कंट्रोल किया जा सके। एंड एक्सप्लेन व्हाई अडेप्टेशन टू द रेजिस्टेंस एक्सरसाइज कैन वेरी ग्रेटली अमंग आपके पार्टिसिपेंट्स। मतलब कैसे आपके अडेप्टेशन चेंज हो सकती है, अगर दो आपके चिल्ड्रन हैं, दोनों के दोनों अगर सेम एज के हैं, लेकिन जो उनकी बायोलॉजिकल जो एज है वो डिफरेंट है, उनकी क्रोनोलॉजिकल एज अगर एक है, तो कैसे उनके जो रिजल्ट वेरी कर सकते हैं, तो किस तरीके से आप उनके जो वर्कआउट प्रोग्राम्स को आप डिजाइन करेंगे, किस तरीके से क्या क्या पैटर्न्स उनको देंगे, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पूरे चैप्टर में बताया गया है। तो सबसे पहली चीज हम बात करते हैं, द ग्रोइंग चाइल्ड क्रोनोलॉजिकल एज वर्सेस बायोलॉजिकल एज। देखिए, इस चीज को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट तरीके से आपको समझना पड़ेगा। क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब क्या होता है, जैसे हर किसी, अगर दो या तीन या फिर अगर आपके 10 से 12 बच्चे अगर आपने ऐसे स्टडी में लिया है, हर किसी की एज 10 साल है, तो जरूरी नहीं है कि उनकी जो अगर नॉर्मल एज, अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ से देखा जाए, जो उनकी एक नंबर एज है, जो क्रोनोलॉजिकल एज बोलते हैं, सबकी नंबर के थ्रू तो एक होगी, लेकिन जो उनकी बॉडी की जो डेवलपमेंट है, जिसको हम बायोलॉजिकल एज बोलते हैं, वो जरूरी नहीं है सेम हो। कुछ लोगों की, कुछ बच्चों की डेवलपमेंट फास्ट होती है, कुछ बच्चों की डेवलपमेंट स्लो होती है, और मेल और फीमेल की डेवलपमेंट में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो दिस इज ह्यूज डिफरेंस, क्रोनोलॉजिकल एज वर्सेस बायोलॉजिकल एज। तो जो एक ट्रेनर है या स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच है, उसके लिए बहुत जरूरी है समझना डिफरेंस क्रोनोलॉजिकल एज वर्सेस बायोलॉजिकल एज। उसको कभी भी आपके क्रोनोलॉजिकल एज पे नहीं जाना चाहिए बच्चे के, उसको हमेशा उसके बायोलॉजिकल एज पे जाना चाहिए, कि उसकी डेवलपमेंट कितनी फास्ट है या कितनी स्लो है, क्योंकि उसके जो रिजल्ट है, उसके जो वर्कआउट डिजाइन आप करेंगे, वो उसकी बायोलॉजिकल एज पे बेस्ड होंगे। अब एक टर्म आती है जिसको बोलते हैं मसल एंड बोन ग्रोथ। अब देखो, मसल एंड बोन ग्रोथ का मतलब क्या है, इनको समझिए। मसल्स और जो बोन है, वो एक सर्टेन एज के बाद ही हमारी ज्यादा डेवलप होनी शुरू होती है। जैसे 10 से 12 साल की उम्र में जो मेल की हम बात करते हैं, तो उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो इतने ज्यादा नहीं होता, उनका एंडोक्राइन सिस्टम इतना डेवलप नहीं होता, जिससे उनकी मसल्स का ज्यादा डेवलपमेंट हो पाए। तो अगर एक छोटे बच्चे के लिए आप डिजाइन कर रहे हैं, तो उस टाइम पे रेदर देन जस्ट वर्किंग ऑन द हाइपरट्रॉफी के बारे में तो बच्चों के लिए सोचना ही नहीं चाहिए, उनको सिर्फ आपको पैटर्न्स कराना है, उनको बहुत ज्यादा फाउंडेज पे ध्यान नहीं देना, सिर्फ और सिर्फ उनका न्यूरोलॉजिकल जो उनकी मोटर यूनिट एंगेजमेंट है, मोटर कॉर्टेक्स है, उसको लर्न कराना है कि आप कैसे पैटर्न्स, किस तरीके से आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ वेट को उठाना है और कितनी मोटर यूनिट रिक्रूट करनी है। बोन ग्रोथ मैटर करता है। बोन ग्रोथ का मतलब क्या है, आपका जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, तो उनमें एपिफिजियल प्लेट्स होती हैं, जो आपके डायाफिसिस होता है उनके एंड पे, जिनका अगर उनको गलत तरीके से कराया जाए, तो उनकी ग्रोथ प्लेट इंजरीज बहुत ज्यादा होती हैं, जो एपिफिजियल इंजरीज जो कहलाती हैं, क्योंकि जब उनकी बोन बड़ी हो रही, लंबी हो रही होती है, उनकी डेवलपमेंट हो रही होती है, तो उस टाइम पे ये चीज बहुत मैटर करती है। डेवलपमेंट चेंजेस इन मस्कुलर स्ट्रेंथ।
ऑब्वियसली मस्कुलर स्ट्रेंथ हम की आपकी में चेंजेस आते हैं विद द टाइम, आप जैसे जैसे उनको वर्कआउट कराएंगे। तो अभी इन सारी चीजों को हम और ज्यादा डिस्कस करेंगे। यूथ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम, मतलब जो एक सर्टेन एज को क्रॉस कर जाते हैं, प्यूबर्टी हिट कर जाते हैं, उनकी ट्रेनेबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन, किस तरीके से आपको उनको ट्रेन करना है, उनके बेस्ड ऑन कीपिंग इन माइंड के किस तरीके से एक्टिविटीज उनको करानी चाहिए, पोटेंशियल बेनिफिट्स उनको बताने बहुत जरूरी है, उनके पेरेंट्स को बताने जरूरी है कि कैसे उनको मिल सकते हैं। देखो, जरूरी नहीं है कि आप जैसे प्यूबर्टी को हिट करते हैं आप उनको स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग कराइए, ऐसा कभी नहीं होता। उनको ओवरऑल ट्रेनिंग करानी पड़ती है जिसमें आपके हर तरीके के वर्कआउट उनको कराए जाते हैं। इट्स नॉट जस्ट द स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, उसमें उनकी फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, उनके जो पर्टिकुलर जॉइंट्स को ज्यादा मोबिलाइज करना, उनके प्रोप्रोसेप्शन को एक्टिवेट करना, तो ये ज्यादा फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। पोटेंशियल रिस्क एंड कंसर्न, पोटेंशियल रिस्क और कंसर्न्स के ऊपर भी हमें बात करनी पड़ती है कि उनको क्या इंजरीज हो सकते हैं, जैसे मैंने एपिफिजियल प्लेट इंजरी आपको बताया था। और प्रोग्राम डिजाइन एंड कंसिडरेशन फॉर चिल्ड्रन, मतलब किस तरीके से आप उनके प्रोग्राम डिजाइन करेंगे ताकि उनको मैक्सिमम बेनिफिट मिल पाए। अब आता है विद द ग्रोइंग इंटरेस्ट इन यूथ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग प्रोफेशनल टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अभी हम बात करेंगे नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के फंडामेंटल प्रिंसिपल, मतलब एक छोटा बच्चा जैसे ही अपने एक सर्टेन एज को क्रॉस करता है उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे होती है। अभी अब जो हमने आउटलाइन डिस्कस की थी अब उनको डिटेल में बात करते हैं। द ग्रोइंग चाइल्ड क्रोनोलॉजिकल एज वर्सेस बायोलॉजिकल एज, मैंने आपको बताया प्यूबर्टी रिफर्स टू द पीरियड ऑफ टाइम इन विच सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप एंड द चाइल्ड इज ट्रांसफॉर्म इनटू अ यंग एडल्ट। मतलब प्यूबर्टी को जैसे ही हिट करते हैं, अगर एक लड़के की बात करते हैं, इट मींस उसमें जो उसके सेकंड सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसका फेशियल हेयर आना, उसके प्यूबिक हेयर आना, उसकी वॉइस का डीप होना, ये आपका कहलाता है ट्रांसफॉर्म इनटू यंग एडल्ट जैसे वो प्यूबर्टी को हिट करता है। ड्यूरिंग प्यूबर्टी चेंजेस ऑल्सो अकर इन बॉडी कंपोजिशन एंड द परफॉर्मेंस ऑफ फिजिकल स्किल्स। तो प्यूबर्टी के टाइम पे उनकी परफॉर्मेंस स्किल्स भी इंप्रूव होती हैं क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम, अगर मेल की बात कर रहे हैं तो उनके टेस्टोस्टेरोन ज्यादा एक्टिवली रिलीज होते हैं, देवर ट्राइंग आई मीन मैक्सिमम हिट हो जाते हैं आपकी प्यूबर्टी के बाद में जैसे ही वो अपनी 16, 17, 18 की एज को क्रॉस करते हैं, तो उनपे उनके फिजिकल स्किल्स बहुत मैटर करती हैं, बेटर तरीके से लर्न करते हैं, उनकी कॉम्पोजिशन बॉडी की चेंज होती है, बॉडी मास बढ़ता है जिससे वो बेटर तरीके से परफॉर्म करते हैं। चिल्ड्रन डू नॉट ग्रो एट ए कॉन्स्टेंट रेट एंड देर आर सब्सटेंशियल इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेज इन फिजिकल डेवलपमेंट एनी गिवन क्रोनोलॉजिकल एज। अभी मैंने जो आपको बताया था कि जो क्रोनोलॉजिकल एज होती है और बायोलॉजिकल एज होती है, दे आर कंप्लीटली टू डिफरेंट थिंग। क्रोनोलॉजिकल एज इज जस्ट द नंबर के एक सर्टेन जिस टाइम पे बच्चा पैदा हुआ और जब उसका सबका जो डिटेल में हम काउंट करते हैं कि अगर 10 बच्चे हैं, 10 का डेट ऑफ बर्थ सेम है, तो एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम अगर सबकी एज 10 साल है तो डजंट मीन उनकी बायोलॉजिकल एज भी सेम होगी, क्योंकि हर चाइल्ड अपने डिफरेंट फेज से ग्रो करता है। अब बात करते हैं टाइमिंग ऑफ प्यूबर्टी। टाइमिंग ऑफ प्यूबर्टी आपने देखा है 8-13 इयर्स फॉर गर्ल्स, मतलब 8 से लेकर 13 साल की उम्र में गर्ल्स की प्यूबर्टी आती है जिसमें उनकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है, उनकी ब्रेस्ट डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हो जाती है। ये साइंस होते हैं प्यूबर्टी के इन गर्ल्स। और जो मेल्स में होते हैं दैट इज बिटवीन 9-15 इयर्स ऑफ एज जिसमें डेवलपमेंट ऑफ प्यूबिक हेयर, फेशियल हेयर, डीपनिंग ऑफ वॉइस, मतलब आपने देखा होगा उनकी वॉइस डीप हो जाती है लड़कों की वंस दे हिट प्यूबर्टी, और जिसको हम जेनिटल डेवलपमेंट बोलते हैं, मतलब जो उनके मेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। अभी हम बात दोबारा से इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्रोनोलॉजिकल एज वर्सेस बायोलॉजिकल एज, क्योंकि इसमें बहुत सारे आपके जो ट्रेनर्स होते हैं, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोचेज होते हैं, उसको मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं। ट्रेनिंग एज, अब बात करते हैं लेंथ ऑफ द टाइम द चाइल्ड हैज बीन रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, मतलब ट्रेनिंग एज क्या होती है। ट्रेनिंग एज का मतलब है समझो एक 10 साल के बच्चे ने रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी शुरू करी और हम 12 साल में उसके जो वर्कआउट है, उसके जो स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग है उस पर काम कर रहे, तो इट मीन्स उसकी ट्रेनिंग एज होगी 2 साल, मतलब कितने लंबे टाइम से रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहा है, दैट इज कॉल्ड ट्रेनिंग एज। कैन इन्फ्लुएंस अडेप्टेशन टू रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, ऑब्वियसली जितने लंबे टाइम से जो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करेगा उसकी अडेप्टेशन उतनी ही बेटर होगी। अब बात करते हैं जिसको बोलते हैं पीक हाइट वेलोसिटी, जिसको प्यूबर्टल ग्रोथ स्पर्ट कहते हैं। इसका मतलब क्या है, आपने देखा होगा सेल्फ, हर किसी ने देखा होगा या फिर अपने बच्चों में, आपने अपने कजन्स में या बहुत सारे आसपास के लोगों को देखा हो जिनको आपने ग्रो करते हुए देखा होता है, तो जो आपकी ग्रोथ होती है चाहे वो हाइट से रिलेटेड है चाहे बॉडी मास से है, वो हमेशा लीनियर नहीं होती, टिल एन एज इससे लीनियर, लेकिन जैसे ही प्यूबर्टी हिट करने वाले होते हैं आपका जो ग्राफ है आपकी हाइट का और मसल मास का वो एकदम तेजी से बढ़ता है, मतलब आपको लगेगा विद इन मंथ्स आपका मैक्सिमम हाइट आपने अचीव कर ली है। तो वो जो होता है हमारा पीक हाइट वेलोसिटी होती है,
टिपिकली एज 12 इन द फीमेल्स एंड 14 इन मेल्स, मतलब जो आपका पीक हाइट वेलोसिटी है, जो मैक्सिमम डेवलपमेंट होती है आपकी हाइट में बॉडी मास में, वो जो फीमेल्स में 12 होती है और मेल्स में 14 होती है। लेकिन एक स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच को यह समझना चाहिए कि जो उनकी पीक हाइट वेलोसिटी है उस टाइम पे उनको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग बहुत ही संभल के कराई जाए। क्यों? क्योंकि उनकी हाइट बहुत तेजी से बढ़ रही होती है विद इन मंथ्स, तो उनके जो बोन्स हैं उनकी लेंथ बढ़ रही होती है जिससे बोन्स की थोड़ी वीकनेस आ जाती है, जिससे उनकी जो बोन्स में जिसको ग्रोइंग पेन भी हम बच्चों में बोलते हैं तो वो भी स्टार्ट हो सकता है, और जो उनकी एपिफिजियल इंजरीज के चांसेस बढ़ जाते हैं, उनके जो कनेक्टिव टिश्यू है वो स्ट्रेच हो रहे होते हैं। तो अगर आप समझिए पीक हाइट वेलोसिटी पे हमें वीकनिंग ऑफ बोन्स आता है, मसल इम्बैलेंस होता है, मसल इम्बैलेंस का मतलब उनके एगोनिस और एंटागोनिस में इम्बैलेंस आ जाता है क्योंकि बहुत तेजी से वो ग्रो कर रहे हैं, टाइटनिंग ऑफ मसल्स टेंडन यूनिट्स, मसल्स और टेंडन टाइट हो जाते हैं क्योंकि मसल की लेंथ बढ़ती है, अगर बोन की लेंथ बढ़ती है तभी मसल इम्बैलेंस भी आता है, स्टिफनेस आती है, टाइम टू एक्सरसाइज फ्लेक्सिबिलिटी एंड करेक्ट मसल इम्बैलेंस और डिक्रीज वॉल्यूम। तो इस टाइम पे वो जो बच्चे हैं उनके लिए आपको उनका जो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग है बहुत ही आपको संभल के करानी पड़ेगी, उनके जो पैटर्न्स को बहुत समझना पड़ेगा ड्यूरिंग द पीक वेलोसिटी हाइट गेन में, और उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को आप बहुत ज्यादा इंप्रूव कराना पड़ेगा क्योंकि जितनी फ्लेक्सिबिलिटी आप इंप्रूव कराएंगे उतना ही उनकी कनेक्टेड टिश्यू स्टिफनेस कम हो जाएगी, उनकी मसल स्टिफनेस कम हो जाएगी और मसल इम्बैलेंस को हम प्रॉपर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। अब बात करते हैं मसल एंड बोन ग्रोथ। देखो मसल और बोन ग्रोथ की एक जो बच्चा बढ़ रहा होता है तो उसमें मसल मास स्टेडिली इंक्रीज थ्रू आउट द डेवलपिंग ईयर्स, मतलब उनका मसल मास स्टेडिली इंक्रीज करता है डेवलपिंग ईयर्स होते हैं, ड्यूरिंग प्यूबर्टी के 10-fold इंक्रीज इन टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन इन बॉयज, मतलब प्यूबर्टी के टाइम पे अगर उनका जो एंडोक्राइन सिस्टम है जो उनके एंड्रोजन्स होते हैं मेल ग्रोथ हॉर्मोन्स होते हैं वो बहुत ही 10-fold मतलब 10 टाइम फास्टर इंक्रीज होते हैं, रिजल्ट्स इन मार्क्ड इंक्रीज इन मसल मास, मतलब उनका मसल मास भी जो हमारी पीक हाइट वेलोसिटी है तो उस टाइम पे आपकी बॉडी की हाइट के साथ साथ मसल मास भी उनका बहुत तेजी से ग्रो करता है क्योंकि उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। Whereas in girls, the increase in estrogen production causes increased body fat deposition, breast development and widening of the hips. तो जो फीमेल्स होता है, जो फीमेल्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो हॉर्मोन्स होता है जिसको ईस्ट्रोजन बोलते हैं वो भी ऑब्वियसली प्यूबर्टी के टाइम पे बहुत मैक्सिमम तरीके से रिलीज होता है, और ईस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी बॉडी में फैट डिपोजिशन में। फीमेल्स में जेनेटिकली फैट थोड़ा ज्यादा डिपॉजिट होता है, क्यों? क्योंकि उनको एक कंसीव करने के टाइम पे उनका जो बॉडी डेवलप हो रही होती है तो उनके जो हिप्स होते हैं वो थोड़े वाइड हो जाते हैं ताकि जो बेबी उनको अपने रखना पड़ता है वो डिलीवरी प्रॉपरली हो पाए और आपका ब्रेस्ट डेवलपमेंट होने शुरू हो जाता है। दीज आर द साइंस ऑफ योर फीमेल प्यूबर्टी। वेयर द एपिफिजियल प्लेट्स बिकम कंप्लीटली ऑसिफाइड। एपिफिजियल प्लेट्स इसको बोलते हैं, इसको ग्रोथ प्लेट भी बोलते हैं। तो ये कंप्लीटली ऑसिफाई हो जाती है, ऑसिफाई मतलब ये पूरी हार्ड होके सिंगल बोन बन जाती है, ताकि अब और फर्दर, और अगर किसी की भी हाइट को आपको चेक करना है तो लेफ्ट रिस्ट में आप उसका आप डॉक्टर जो आपका ऑर्थो है वो एक्सरे करा के चेक कर सकता है कि किसी भी बच्चे की मैक्सिमम हाइट कितनी अचीव होगी, और एपिफिजियल प्लेट एक बार अगर आपकी फ्यूज हो जाए तो आपकी हाइट दोबारा नहीं बढ़ सकती, इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अब हम बात करते हैं जिसका ग्रोथ कार्टिलेज इन चिल्ड्रन इज लोकेटेड एट एपिफिजियल प्लेट। अब जो ग्रोथ एपिफिजियल प्लेट्स की अभी हमने बात करी, द जॉइंट सरफेस एंड द एपिफिजियल इंसर्शन, मतलब जो आपकी ग्रोथ प्लेट होती है वो आपकी जो आपकी एपिफिजियल प्लेट मतलब जो आपकी बोन होती है जो उसकी बिल्कुल सुपीरियर पार्ट होता है या बिल्कुल इंफीरियर पार्ट होता है, जो उसका हेड ऑफ द बोन होती है और आपकी डायफिसिस जो उसकी शाफ्ट होती है बिल्कुल उसके वहां पे कनेक्ट होती है। डैमेज टू द ग्रोथ कार्टिलेज मे इंपेयर द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ द अफेक्टेड बोन। तो तभी हम बार बार बोलते हैं कि जो आपका पीक हाइट वेलोसिटी कर्व आता है तो उस टाइम पे रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में जो बच्चों में एपिफिजियल प्लेट इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं और वो अच्छा नहीं होता क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं ग्रोथ पे इफेक्ट आता है। अब डेवलपमेंट चेंजेस इन मस्कुलर स्ट्रेंथ। अभी मस्कुलर स्ट्रेंथ में बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे। इन बॉयज पीक गेन्स इन स्ट्रेंथ टिपिकली अकर्स अबाउट 1 to 1.2 इयर्स आफ्टर पीक हाइट वेलोसिटी, मतलब जो उनकी पीक गेन होते हैं स्ट्रेंथ में, जो उनका मैक्सिमम स्ट्रेंथ गेन होता है वो आपकी पीक हाइट वेलोसिटी कर्व के अराउंड 1.2 इयर्स के बाद होता है, और 0.8 इयर्स जो आपकी आफ्टर पीक वेट वेलोसिटी, मतलब जो वेट गेन होता है उसके 0.8 इयर्स बाद,
और अगर आपकी पीक हाइट वेलोसिटी है उसके 1.2, मतलब आप समझिए जो आप प्यूबर्टी हिट करते हैं और जब आपकी मैक्सिमम ग्रोथ हो चुकी होती है तो उस टाइम पे आपकी ज्यादा स्ट्रेंथ डेवलप होना शुरू होती है. इन गर्ल्स पीक गेन्स इन स्ट्रेंथ ऑल्सो टिपिकली अकर्स आफ्टर पीक हाइट वेलोसिटी, ऑल्दो देयर इज अ मोर इंडिविजुअल वेरिएशन इन द रिलेशनशिप ऑफ स्ट्रेंथ टू हाइट एंड बॉडी वेट. ऑब्वियसली इन फीमेल्स में भी आपकी स्ट्रेंथ प्यूबर्टी के बाद ही डेवलप होती है, लेकिन वो बेस्ड ऑन इंडिविजुअल्स वो कहीं ना कहीं वेरी करती है. On average, peak strength is usually attained by the age 20 in untrained women and between the ages of 20 and 30 in untrained men. तो जो average peak strength होती है, वो gain होती है females में between 20s by the age 20 आपकी untrained females में होती है. Obviously, trained male और females में वो जल्दी हो जाती है और untrained जो untrained men होते हैं उसमें between 20 to 30, मतलब 20 से 30 साल की उम्र में अगर वो untrained है, कोई workout नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, but still जो उनके endocrine system में testosterone levels हैं, वो कहीं ना कहीं उनको strength gain करवाते हैं. अब हम बात करते हैं general body type. देखो पूरी human body आपके जितने human beings हैं, तीन body type में divided होते हैं, जिसमें mesomorph, endomorph और ectomorph होते हैं. मेसोमोर्फ, अभी नेक्स्ट इमेज में हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से होते हैं. मेसोमोर्फ आर जेनेटिकली ब्लेस्ड, जिनकी जो वाइड शोल्डर्स होते हैं, जिन पे फैट एक्युमुलेशन ज्यादा जल्दी नहीं आता और ये बेटर बहुत इजीली मसल गेन कर लेते हैं क्योंकि दे आर जेनेटिकली, उनकी जो बेटर तरीके से इसको करते हैं, जेनेटिकली दे आर सुपीरियर. एंडोमोर्फ आर द पीपल जो जेनेटिकली जिनको जीन्स इनके इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो ज्यादा उनके लिए मसल्स को गेन करना, स्ट्रेंथ को गेनना थोड़ा सा टफ होता है, बट वो फैट एक्युमुलेशन वो ज्यादा कर लेते हैं. एक्टोमोर्फ आर द पीपल जो जिनका नॉर्मली ही बीएमआर बहुत ज्यादा एलिवेटेड होता है, तो इनके लिए बहुत टफ होता है आपकी मसल्स को गेन करना, मसल्स या फैट पर प्राइमरी मसल्स को गेन करना बहुत टफ होता है. तो दीज आर द टाइप्स, आपको नॉर्मल देख के पता चल जाएगा कि कैसे होते हैं. दीज आर योर आपके मेसोमोर्फ, आपको यहाँ पे दिखेंगे मेसोमोर्फ, दे आर जेनेटिकली ब्लेस्ड. यहाँ पे आपको एंडोमॉर्फ दिखेंगे, एंडोमॉर्फ में मतलब थोड़ा सा ज्यादा फैट एक्युमुलेशन होता है, उनकी हिप थोड़े ज्यादा वाइड होते हैं, उनका जो लिम लेंथ होती है वो डिफर करती है. और ये है आपके एक्टोमोर्फ. एक्टोमोर्फ और जेनेटिकली जिनका बीएमआर बहुत ज्यादा हाई होता है और इनके लिए बहुत टफ होता है आपकी मसल्स को गेन करना और बॉडी मास को बढ़ाना. तो एक स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच को इनके बॉडी टाइप को समझना बहुत जरूरी है ताकि वो उस हिसाब से उनके वर्कआउट पैटर्न्स को चेंज कर पाए, उनके कैलोरी एक्सपेंडिचर को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर पाए. अब बात करते हैं यूथ ट्रेनिंग रेजिस्टेंस ट्रेनिंग. डिस्पाइट प्रीवियस कंसर्न दैट चिल्ड्रन वुड नॉट बेनिफिट फ्रॉम रेजिस्टेंस एक्सरसाइज or that the risk of injury was too great, clinical coaches and exercise scientists now agree that resistance exercises can be safe and effective method of conditioning for children. इसका मतलब क्या है? पहले हमेशा आपने देखा होगा 10-12 साल पहले और या फिर अभी ये आपने देखा है कि बहुत सारे पेरेंट्स अब भी अपने बच्चों को वेट ट्रेनिंग कराने से घबराते हैं कि उनको लगता है उनकी हाइट रुक जाएगी, उनको लगता है कि उनकी इंजरी हो जाएगी. अब ये जो कंसर्न है ऐसा कभी नहीं होता. आपके बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो कभी भी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से नहीं रुकती. डेफिनेटली उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट होते हैं उनकी डेवलपमेंट में. बट हाँ, ये कहीं कंसर्न 0.1% थोड़ा बहुत ठीक हो सकता है. क्यों? क्योंकि अगर वो अच्छी गाइडेंस पे वर्कआउट नहीं कर रहे तो उनके लिए कहीं ना कहीं थोड़े से इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं. लेकिन अगेन, अगर आपका कोच अच्छा है, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग जो कोच है उसको प्रॉपर वर्कआउट पता है, उसको प्रॉपर साइंस पता है, तो वो बेटर तरीके से सेफ एनवायरमेंट में उनको वर्कआउट करा सकता है. बट डेफिनेटली रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जो यंग चिल्ड्रन है उनको करानी चाहिए. ट्रेनेबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन, ट्रेनेबिलिटी का मतलब उनको किस तरीके से आप उनको वर्कआउट कराएंगे और उनको कितना स्पेसिफिकली किस पर्टिकुलर पैटर्न पे कराना है. ट्रेनिंग इंड्यूस्ड गेन्स फ्रॉम ए शॉर्ट ड्यूरेशन low volume training program are not distinguishable from gains attainable to normal growth and maturation. मतलब अभी सिंपल सी बात है, training induced gain, मतलब जो वर्कआउट करने से आपको gains मिलते हैं during a short duration low volume training program are not, मतलब उनको आप distinguish ज्यादा नहीं कर सकते normal growth और maturation से. मतलब कोई major वो role आपका changes, मतलब आपकी growth और development बच्चों में नहीं उसको रोकेंगे. Strength gain of roughly 30-40% has been typically observed in the untrained pre-adolescent children following short-term resistance training program. मतलब 30-40% gains has been, देखे गए हैं untrained ऐसे बच्चों में जिन्होंने कभी workout नहीं किया. तो जब वो resistance training कराते हैं तो initial stage में उनकी जो results मिलते हैं उनको body mass strength gain में वो बहुत ज़्यादा effective होते हैं. Similar to adults, continuous training is needed to maintain the
स्ट्रेंथ एडवांटेज ऑफ एक्सरसाइज इंड्यूस एडेप्टेशन। अब देखो इसका पूरे का मतलब जिसका हमारा यूथ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के ऊपर हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब यही है कि जब अनट्रेन्ड इंडिविजुअल वर्कआउट स्टार्ट करते हैं उससे पहले जब उनकी एज बढ़ रही हो तो नॉर्मल प्रोसेस से भी वो थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ गेन करते हैं, उनका जो बॉडी मास बढ़ता है। लेकिन अगर उस टाइम पे हम आपके रेजिस्टेंस ट्रेनिंग को इंक्लूड कर दें जिससे उनके जो रिजल्ट्स हैं वो कहीं ज्यादा बेटर हो जाते हैं एज कम्पेयर टू अनट्रेन्ड एथलीट्स, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चों को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में इंक्लूड किया जाए। लेकिन एक और फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनको कंटिन्यूस रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करानी चाहिए। अगर आप कुछ टाइम पे करा के उनको वो बंद करवा देंगे तो जो उनके गेन्स हैं वो कहीं ना कहीं प्री स्टेट पे आ जाएंगे, मतलब उनके गेन्स रिड्यूस हो जाएंगे। अब बात करते हैं प्री एडोलेसेंट बॉयज एंड गर्ल्स कैन सिग्निफिकेंटली इंप्रूव देयर स्ट्रेंथ विद रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। मतलब अभी आपको बताया रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी स्ट्रेंथ को गेन कर सकते हैं। न्यूरोलॉजिकल फैक्टर एज अपोज टू हाइपरट्रॉफिक फैक्टर आर प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज गेन। मतलब न्यूरोलॉजिकल क्या होता है, जो आपके मोटर कॉर्टेक्स है वो नए पैटर्न्स को लर्न करता है, मोटर यूनिट के रिक्रूटमेंट को लर्न करता है, तो जिनसे उनके रिजल्ट बहुत बेटर तरीके से आपको देखने लगते हैं। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ मस्कुलर स्ट्रेंथ। अब मस्कुलर स्ट्रेंथ की डेवलपमेंट क्या होती है, थ्योरेटिकल इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द डेवलपमेंट फैक्टर रिलेटेड टू द पोटेंशियल मस्कुलर स्ट्रेंथ एडेप्टेशन एंड परफॉर्मेंस। अब हम इसके ऊपर बात करेंगे मस्कुलर स्ट्रेंथ पे। अभी मस्कुलर स्ट्रेंथ क्या होता है, जो अडल्ट होते हैं उसमें आपने देखा है जैसे वो प्यूबर्टी हिट करते हैं उनका ग्रोथ स्पर्ट होता है, उनके जो हॉर्मोन्स होते हैं टेस्टोस्टेरोन प्राइमरी मेल्स वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं दीज आर द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, वो ऑब्वियसली बढ़ रहे हैं, आपका फैट फ्री मास बढ़ रहा है, आपका फाइबर टाइप डिफरेंशिएशन बढ़ रहा है, आप बेटर तरीके से अपने स्लो या फास्ट फाइबर को इंगेज कर सकते हैं, और नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट मतलब आपका मोटर कॉर्टेक्स लर्न करता है आपके सारे पैटर्न्स को। तो अगर ये बर्थ है ये प्यूबर्टी है तो जैसे प्यूबर्टी के टाइम पे आप देख रहे हैं आपका जो ग्रोथ स्पर्ट आता है वो यहाँ पे आता है। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल बेनिफिट रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की। ऑल्टर एनाटॉमिक एंड आपके साइकोलॉजिकल पैरामीटर्स डिक्रीज फैटनेस एंड ओबेस। मतलब आपने देखा है जो बच्चे बचपन से ही बहुत मोटे होते हैं उनके लिए रेजिस्टेंस ट्रेनिंग बहुत ज्यादा क्रूशियल होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कार्डियो में या फिर किसी स्पोर्ट्स में जाने से घबराते हैं, और घबराने का मतलब क्या है, उनको लगता है उनका बॉडी वेट इतना ज्यादा है वो बहुत जल्दी थक भी जाते हैं। तो एक ऐसे बच्चे जो बहुत ज्यादा बचपन में मोटे हैं उनके लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत इफेक्टिव तरीका हो सकता है उनके फैट फ्री मास को बढ़ाने के लिए और उनकी बोन डेंसिटी बढ़ाने के लिए। और ये क्या करता है, जैसे जो ऐसे बच्चे जिनका बॉडी वेट ज्यादा है जो ओबेस हैं तो उनसे स्पोर्ट्स इंजरीज में रिड्यूस स्पोर्ट्स इंजरीज, क्योंकि स्पोर्ट्स इंजरीज में देखा गया है कि जब भी कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं तो आपका बहुत ज्यादा आपके नीज पे जॉइंट्स पे प्रेशर आता है क्लाइमेट्रिकली, क्योंकि आप जंप करते हैं आप कोई भी प्ले करते हैं तो ऑब्वियसली उनसे आता है तो इंजरी के चांसेस बढ़ते हैं। इट इज फॉर द चिल्ड्रन जो उनका नॉर्मली जो ओबेस है, और इंप्रूव मोटर स्किल्स एंड स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। तो ऑब्वियसली अगर वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे जिससे उनका फैक्ट्री मास बढ़ेगा तो उनकी मोटर स्किल्स भी इंप्रूव होंगी, और उसके बाद उनके स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस अगर वो स्पोर्ट्स को प्ले करते हैं तो उनकी वो डेफिनेटली इंप्रूव होगी। पोटेंशियल रिस्क एंड कंसर्न, तो डेफिनेटली देखो जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है देयर आर स्लाइट रिस्क होते हैं, रिस्क तो आपके स्पोर्ट्स में भी बहुत ज्यादा होते हैं, बट एज कम्पेयर टू स्पोर्ट्स आपके रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में रिस्क बहुत कम होते हैं। पर पोटेंशियल रिस्क क्या होता है, appropriately prescribed youth resistance training program relatively safe, मतलब बहुत ज्यादा सेफ होते हैं अगर उनको ढंग से डिजाइन किया जाए। मोस्ट ट्रेडिशनल कंसर्न इज एपिफिजियल प्लेट, मतलब जो ग्रोथ प्लेट होती है जिसको एपिफिजियल प्लेट्स होते हैं उसके इंजरीज ज्यादा उसके चांसेस ज्यादा होते हैं। तो जो आपका पीक वेलोसिटी वेट एंड हाइट कर्व होता है उस टाइम पे स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच को प्रॉपर तरीके से उनका डिजाइन करना चाहिए। कंसिडर क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड रेट ऑफ प्रोग्रेशन, तो उस टाइम पे जो आपका स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच को हमेशा उनको एक लीनियर वे में उनकी रेजिस्टेंस को बढ़ाना चाहिए, और उनको सिर्फ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग नहीं करानी चाहिए, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के साथ हर तरीके के वर्कआउट को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए ट्रेनिंग प्रोग्राम में। फोकस ऑन स्किल इंप्रूवमेंट पर्सनल सक्सेसेस एंड हैविंग फन, मतलब वर्कआउट को यू डोंट हैव टू मेक इट अ टास्क, बहुत ही स्ट्रेसफुल टास्क, इट हैज टू बी फन, तो ताकि बच्चा प्रॉपर तरीके से एंगेज हो एंड ट्राई टू मेक अ प्रोग्राम जिसके अंदर उसकी स्किल इंप्रूवमेंट हो और उसको सक्सेसेस के लिए रिवॉर्ड भी दिया जाए। हाउ कैन यू रिड्यूस द रिस्क ऑफ ओवर यूज इंजरी इन यूथ, मतलब उनके इंजरीज को जो रिस्क है उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। Prior to sports participation, young athletes should be evaluated by a sports medicine
फिजिशियन. तो यंग एथलीट जैसे आपने इंडियन के इंडियन स्कूल्स में तो आई कांट से, बट आपके जो अब्रॉड होते हैं वहाँ स्कूल्स में हर वैसे इंडियन स्कूल्स में होता है एवरी सिक्स मंथ या एवरी थ्री मंथ जनरल फिजिशियन उनको प्रॉपरली चेकअप करता है, कोई मेडिकल कंडीशन उनकी है तो नहीं, कोई मेडिकल इंजरी तो नहीं है, तो उनको कराना जरूरी होता है प्रायर टू एनी स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन. पेरेंट्स शुड बी एडुकेटेड अबाउट द बेनिफिट्स एंड द रिस्क ऑफ कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स. मतलब रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के साथ साथ जो उनके स्पोर्ट्स होते हैं उसमें पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि क्या पॉसिबल इंजरीज के चांसेस हो सकते हैं. पेरेंट्स शुड अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिपरेटरी कंडीशनिंग. मतलब किसी भी स्पोर्ट्स के लिए बहुत जरूरी होता है कि उसकी प्रिपरेटरी कंडीशनिंग होनी बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि उसके जो रिस्क को हम एनालाइज कर पाए. चिल्ड्रन एंड एडॉलेसेंट शुड बी एनकरेज टू पार्टिसिपेट इन ईयर राउंड फिजिकल एक्टिविटी. ये बहुत ज्यादा क्रूशियल है कि कभी भी जो आपकी फिजिकल एक्टिविटी है, जो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग है, कोई भी वर्कआउट पैटर्न है, शुडंट बी लाइक आपने कुछ मंथली बेसिस पे किया उसके बाद एक दो महीने के लिए गैप ले लिया. इट शुड बी कंटिन्यूस. How can we reduce the risk of overuse injury? अब इसको continue कर रहे हैं. Youth coaches should implement well-planned recovery strategies. अब ये बहुत crucial aspect है. Recovery बहुत जरूरी है कि आपने अगर उनको workout patterns दे दिया, resistance training करा रहे हैं, उनको different proprioception हो गया, उनकी flexibility training करा रहे हैं, पर उनकी जो rest और recovery है बहुत ज़्यादा crucial है. तो उसमें उनका न्यूट्रिशन इनटेक, उनका हाइड्रेशन लेवल और वो कितना रेस्ट ले रहे हैं ड्यूरिंग वर्कआउट और वर्कआउट के बाद जो नेक्स्ट टाइम जो दोबारा हिट करेंगे तो उनका जो रेस्टिंग पीरियड है वो बहुत क्रूशियल होता है. तो एथलीट जो ट्रेनर है उनको इन चीजों की जानकारी होनी बहुत जरूरी है. द न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ यंग एथलीट शुड बी मॉनिटर. तो उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस मॉनिटर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच के लिए. यूथ स्पोर्ट्स कोचेज शुड पार्टिसिपेट इन द एजुकेशनल प्रोग्राम. तो जो स्पोर्ट्स कोचेज है उनके एजुकेशन प्रोग्राम में डेफिनेटली पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि जो उनके जो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोचेज हैं वो डेफिनेटली उनको बता पाए और वो भी नई चीजें लर्न कर पाए. बॉयज एंड गर्ल्स शुड बी इनकरेज टू पार्टिसिपेट इन ए वैरायटी ऑफ स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटीज. तो याद रखिए जो आपके यंग चिल्ड्रन हैं उनको कभी भी किसी पर्टिकुलर सिंगल स्पोर्ट्स में या सिंगल वर्कआउट पैटर्न्स में नहीं डालना चाहिए, उनको वाइड वैरायटी ऑफ वर्कआउट्स कराने चाहिए. Youth resistance training guidelines. There are certain guidelines for the youth resistance training. Each child should understand the benefit, the risk associated with resistance training. तो resistance training में हर बच्चे को पता होना चाहिए, उसके coaches को बताना चाहिए कि क्या risk होते हैं और benefit क्या क्या हो सकते हैं resistance training के. Competent and caring fitness professional should supervise training session. मतलब जो fitness professional है उनको supervise करना चाहिए. अगर आप coach हैं किसी बच्चे के तो आपके लिए बहुत जरूरी है उनके workout को supervise करना. The exercise environment should be safe and free of hazard. तो जो exercise environment होता है जहाँ पे उनको workout करा रहे हैं, it should be safe. कि अगर somehow कोई slip करता है, somehow अगर कोई fall करता है, या फिर कोई उनको injury के chances ना हो किसी भी equipment से या ऐसे किसी weight से जो जमीन पे बिखरे हुए. All equipment should be in good repair and properly sized to fit each child. मतलब जो equipments होते हैं primarily जो बच्चे होते हैं उनको तो मशीन्स पे बहुत ज्यादा नहीं कराना चाहिए क्योंकि उनके हाइट के और वेट के हिसाब से मशीन डिजाइन नहीं होती. तो उनको फ्री वेट्स पे ज्यादा डालना चाहिए. बट इक्विपमेंट शुड बी इन गुड रिपेयर एंड उनकी रिपेयर प्रॉपरली होनी चाहिए, प्रॉपरली उनका साइज होना चाहिए. डायनेमिक वार्म अप एंड एक्सरसाइज शुड बी परफॉर्म बिफोर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इज वेरी वेरी क्रूशियल. कि बच्चों का वार्म अप कराना वो तो खैर सबके लिए जरूरी होता है, डायनेमिक एक्सरसाइज कराना, वार्म अप कराना बहुत ज्यादा जरूरी है. Static stretching exercise should be performed after resistance training. Static वैसे stretches होते हैं flexibility restore करने के लिए, वो after workout बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Very very crucial कि जो आपके dynamic warm up है और आपका post workout stretches है वो आपको हमेशा incorporate करना चाहिए training program में. Carefully monitor each child's tolerance to the exercise stress. तो हमेशा जैसे बताया biological age हर बच्चे की अलग होती है, तो उसमें याद रखिए जो उनका ट्रेनिंग स्टिमुलस है किस तरीके का प्रोग्राम डिजाइन करके उन बच्चों को दे रहे हैं. इट शुड डिपेंड ऑन द चाइल्ड्स, मतलब आपके बच्चे की बायोलॉजिकल एज के हिसाब से डिजाइन करना चाहिए और कोच को हमेशा देखना चाहिए कि किस पर्टिकुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम को वो अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कर पा रहा है और किसको उसको करने में इश्यू आ रहा है कि बच्चे पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस ना आए. बिगिन विद लाइट लोड्स. हमेशा याद रखो एक बच्चे के लिए आपके लिए स्ट्रेंथ डेवलपमेंट वो तो प्यूबर्टी के बाद ही आपको करानी है, उसके भी एक डेढ़ साल बाद में, उससे पहले उसको आपके न्यूरोलॉजिकल अडेप्टेशन के ऊपर ज्यादा काम करना है. मतलब उसको लाइट लोड से कराना है, उसको आपके ट्रेनिंग पैटर्न्स को, उसको फॉर्म एंड टेक्निक को समझना जरूरी है. इंक्रीज द रेजिस्टेंस ग्रेजुअली, मतलब ग्रेजुअली ही आपको रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना है, 5 to 10%, उससे ज्यादा नहीं लेके जाना. डिपेंडिंग ऑन नीड्स एंड गोल्स
1-3 सेट ऑफ 6-15 रेपिटेशन ऑन ए वैरायटी ऑफ एक्सरसाइज कैन बी परफॉर्म. तो मतलब उनको वैरायटी ऑफ एक्सरसाइज कराइए और डिपेंडिंग ऑन क्या कैसा उनको कितने वॉल्यूम वर्कआउट दे रहे हैं तो उनके जो 5-10 या 15 रेपिटेशन यू कैन डिजाइन ऑन योरसेल्फ. एडवांस मल्टी जॉइंट एक्सरसाइज मे बी इनकॉर्पोरेटेड इन द प्रोग्राम इफ एप्रोप्रिएट लोड्स आर यूज्ड एंड द फोकस रिमेन ऑन प्रॉपर फॉर्म. मतलब मल्टी जॉइंट मूवमेंट्स आपको पता है दे आर वेरी बेनिफिशियल, जैसे स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट, क्लीन एंड जर्क, स्नैच हो गए, तो उनको आपको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, लेकिन लोड्स को बहुत ही केयरफुली डिजाइन करना है, बहुत ही केयरफुली आपको इंप्लीमेंट कराना है. 2-3 नॉन कंसेक्यूटिव ट्रेनिंग सेशन पर वीक आर रिकमेंडेड. 2-3 जो नॉन कंसेक्यूटिव है डिफरेंट डिफरेंट वर्कआउट पैटर्न्स उनको कराने चाहिए 2-3 मिनिमम. एडल्ट स्पॉटर शुड बी नियर बाई टू एक्टिवली असिस्ट द चाइल्ड. मतलब कभी भी कोई बच्चा वेट ट्रेनिंग कर रहा है, वेरी क्रूशियल कि एक स्पॉटर बच्चे के बिल्कुल पास में रहे ताकि उसको किसी भी पोटेंशियल इंजरी से बचाया जा सके. द रेजिस्टेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम शुड बी सिस्टमैटिकली वेरिड थ्रू आउट द ईयर. मतलब रेजिस्टेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरे साल आपका वेरी करना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट वर्कआउट स्टिमुलस उनको देने चाहिए. इट्स नॉट लाइक कंटिन्यूसली एक ही तरीके का प्रोग्राम उनको ईयर लॉन्ग कराया जाए. Children should be encouraged to drink plenty of water before, during and after exercise. It's very important to keep the children hydrated. Dehydration बहुत major problem create कर सकता है. Program design consideration for children. Resistance training should be one part of a well-rounded exercise program. मतलब resistance training should be one part. इसमें बहुत सारे अलग-अलग workout protocols भी आपको include करने पड़ेंगे. Should also address the fitness goals. मतलब किसी का भी fitness goal क्या है, वो भी आपको देखना है. There is no minimum age requirement. देखो इस चीज को माना गया है बच्चों की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए कोई मिनिमम एज रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट स्टिल इसको जो भी बच्चा जैसे ही अपना 7-8 या 9 इयर्स क्रॉस करता है तो बॉडी वेट ट्रेनिंग उनकी स्टार्ट की जा सकती है एंड आफ्टर दैट स्लाइटली वेट कैन बी एडेड. प्री ट्रेनिंग मेडिकल एग्जाम नॉट मैंडेटरी. देखो प्री ट्रेनिंग मेडिकल एग्जाम मैंडेटरी अगर कराया जाए तो अच्छा है, अदरवाइज मैंडेटरी नहीं होता. ऑल शुड बी स्क्रीन फॉर एनी इंजरी और इलनेस दैट मे लिमिट देम. मतलब लेकिन उनको किसी पोटेंशियल इंजरी के लिए अगर उनको अगर उनके नी जॉइंट में कोई या फिर एंकल जॉइंट में उनको लगता है वेलगस या वेरस है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है तो उनको स्क्रीन किया जा सकता है. क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन कोचेज मस्ट हैव. मतलब कोच का जो क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है. और थोरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूथ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग. मतलब कोच को पता होना चाहिए किस तरीके से कैसे ट्रेनिंग करानी है. विलिंगनेस टू डेमोंस्ट्रेट प्रॉपर टेक्निक. उनको कोचेस को प्रॉपर टेक्निक बताना चाहिए जो बच्चे हैं उनको बहुत ही काम लैंग्वेज में ताकि वो ऑफेंडेड फील ना करें, वो अंडर स्ट्रेस ना आए. एंड एबिलिटी टू स्पीक विद चिल्ड्रन ऑन दैट लेवल. मतलब एक बच्चों को बहुत ही शांत तरीके से समझाना चाहिए, मेक इट अ फन, और उनको ऐसा ना लगे कि दे आर वर्किंग सम बहुत ही स्ट्रेस में वो वर्कआउट ना करें. शुड प्ले डाउन कॉम्पिटिटिव बिटवीन किड्स. मतलब कॉम्पिटिशन बच्चों में ज्यादा नहीं करवाना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं. फोकस ऑन प्रॉपर टेक्निक्स. उनकी टेक्निक पे फोकस करना बहुत जरूरी है. अब आता है रेट ऑफ प्रोग्रेशन. फोकस ऑन स्किल इंप्रूवमेंट, पर्सनल सक्सेस, हैविंग फन. मतलब रेट ऑफ प्रोग्रेशन बहुत ज्यादा पाउंडेज उठाना वो करना उसके ऊपर डालने जाने की जरूरत नहीं है. अभी सिर्फ आपको बच्चों को वर्कआउट पे अडेप्ट कराना जरूरी है, स्किल इंप्रूवमेंट करानी जरूरी है और उनके हर छोटे से छोटे सक्सेस पे उनको कॉम्प्लीमेंट करना जरूरी है. मेक इट अ फन वर्कआउट. अब हम जाते हैं फीमेल एथलीट्स पे. फीमेल एथलीट में जो हम जिस सेक्शन आउटलाइन जिनसे हम बात करेंगे वो उनके सेक्स डिफरेंसेस है, बॉडी साइज एंड कॉम्पोजिशन, स्ट्रेंथ एंड पावर आउटपुट और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग फॉर फीमेल एथलीट, ट्रेनेबिलिटी ऑफ वुमेन, प्रोग्राम डिजाइन कंसिडरेशन फॉर फीमेल्स. अब हम बात करते हैं सेक्स डिफरेंसेस. देखो बॉडी साइज एंड कॉम्पोजिशन बिफोर प्यूबर्टी देयर आर एसेंशियली नो डिफरेंस इन हाइट, वेट एंड बॉडी साइज बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स. प्यूबर्टी से पहले लड़के और लड़कियों में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होते. जैसे ही प्यूबर्टी हिट करते हैं दोनों के अपने सेक्स हार्मोन बिल्कुल डिफरेंट तरीके से एक्ट करते हैं बॉडी पे. एडल्ट वुमेन टेंड टू हैव मोर बॉडी फैट एंड लेस मसल मास एंड बोन देन एडल्ट मेल्स. एडल्ट फीमेल्स में बॉडी मास आपका जो मास है, जो मसल मास है वो कम होता है, बॉडी फैट ज्यादा होता है और बोन्स इतनी स्ट्रांग नहीं होती जितनी आपकी मेल्स की होती है. वुमेन टेंड टू बी लाइटर इन टोटल बॉडी वेट देन मैन. ऑब्वियसली वुमेन का बॉडी वेट थोड़ा कम होता है. अब हम बात करते हैं स्ट्रेंथ एंड पावर आउटपुट. इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ वीमेन जनरली हैव अबाउट 2/3 द स्ट्रेंथ ऑफ द मैन. मतलब मेल फीमेल्स में अगर हम एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं उनकी बॉडी वेट के हिसाब से तो वो मेल्स के मुकाबले 2/3 होती है.
इन कंपैरिजन आर मेड रिलेटेड टू फैट फ्री मास और मसल्स क्रॉस सेक्शन एरिया डिफरेंस इन स्ट्रेंथ बिटवीन फीमेल एंड मेल टेंड्स टू डिसअपीयर. मतलब अगर उनकी अब हम बात करें एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ में टोटल बॉडी वेट से उनकी स्ट्रेंथ को देखा जाता है, लेकिन अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो उनके एक्चुअल मसल मास से जो उनकी बॉडी वेट से और उनकी स्ट्रेंथ को देखा जाए तो मेल और फीमेल में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता. In term of absolute strength, women are generally weaker than men. Absolute strength में थोड़ी weak होती हैं because of their lower quantity of muscles relative to muscles cross section area. मतलब आपको पता है total body mass अगर देखा जाए absolute strength को देखा जाए तो male से weak होती हैं. लेकिन अगर relative देखा relative में उनके muscle cross section area और उनकी जो lean muscle mass जितना भी उनकी body में है उसके हिसाब से उनकी strength को देखा जाए तो ज़्यादा difference नहीं होता. Which indicates that muscle quality is not sex specific. मतलब muscles में अगर actual में देखा जाए तो अगर relative strength देखना है तो दोनों की almost same होती है और workout से उसको increase किया जा सकता है. अब resistance training for female athlete, trainability of females. Women can increase their strength at the same rate as men or faster. Females अपनी strength को बढ़ा सकती हैं उनके training stimulus से, resistance training से. Females जैसे male की बढ़ती है वैसे ही females की बढ़ सकती है. So there should be no difference in strength training workout program for male or females. Program design consideration for females. It is important for strength and conditioning professionals to be aware of the increasing independence of knee injury in female athletes, particularly in sports such as soccer and baseball. तो देखो females में जो athlete coaches होते हैं उनको पता होना चाहिए कि females में जो knee related injuries हैं वो थोड़ी ज़्यादा होती हैं as compared to male. क्यों? क्योंकि उनका कहीं ना कहीं bone density इतनी ज़्यादा नहीं होती, उनका जो पर्टिकुलर जॉइंट के जो टेंडन जो कनेक्टिव टिश्यू है वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते एज कम्पेयर टू मेल. तो उनके लिए जो उनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन किए जाते हैं वो इसी तरीके से डिजाइन किया जाता है ताकि उनका एक्सियल लोड पड़े, उनके कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रॉन्ग हो ताकि उनके इंजरी के चांसेस कम हो जाए. द डेवलपमेंट ऑफ अपर बॉडी स्ट्रेंथ. फीमेल्स में नॉर्मली अपर बॉडी स्ट्रेंथ कम होती है और सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ ट्रेनिंग वॉल्यूम शुड बी फोकस ऑन अपर बॉडी. तो उनको फीमेल्स को अपर बॉडी स्ट्रेंथ को इंप्रूव कराना ज्यादा जरूरी होता है. One or two extra exercise or one or two extra sets. मतलब आप focus करिए females की upper body strength, क्योंकि normally जो gender specific strength में आपकी females की upper body strength थोड़ी कम होती है as compared to male. The prevention of sports injury. Females में sports injury को बचाने के लिए female basketball की बात करें 6 times more likely to incur ACL tear, जिसको anterior cruciate ligament tear होते हैं जो knee में होता है उसके टीयर के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू मेल. लोअर बॉडी रेजिस्टेंस एक्सरसाइज एंड एजिलिटी बैलेंस एंड प्लाइमेट्रिक डिप. तो फीमेल्स के लिए अगर उनके जॉइंट्स को जो उनके प्राइमरी एसीएल टीयर के चांसेस जो बढ़ जाते हैं उसको कम करने के लिए लोअर बॉडी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एक्सरसाइज जरूरी है. एजिलिटी बैलेंस प्लाइमेट्रिक डिप्स को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए. हाउ कैन फीमेल एथलीट्स रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंजरी. कैसे वो कम कर सकते हैं रिस्क ऑफ इंजरी. Begin with the pre-participation screening by a sports medical physician. मतलब एक अच्छे sports medical physician से अपनी pre-participation screening कराइए. Participate in a year-round conditioning program that include resistance training, plyometric training, agility training and flexibility training. मतलब year-round करिए, ऐसा नहीं करिए कि आप 2 महीने की या 1 महीने gap ले लिया, 3 महीने gap ले लिया. It should be a year-round. How can female athlete reduce their risk of injury? Every exercise session should be preceded by a general dynamic warm-up. जैसे मैंने अभी बताया था, जैसे आपके children में होता है, dynamic warm-up बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Specific warm-up using movement that resemble those involved in the activity. मतलब आपको जो specific warm-up होता है, जिस particular exercise को आप करने वाले हैं, तो बिल्कुल lighter weight में उस exercise को mimic करिए. Athletes should wear appropriate clothing and footwear during practice and games. एथलीट्स की जो उनके क्लोथिंग होती है, उनके जो शूज होते हैं बहुत क्रूशल होते हैं आपके उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के लिए. तो वो बहुत ही केयरफुली डिजाइन करने चाहिए, केयरफुली चूज करने चाहिए. एथलीट शुड बी इंकरेज टू मैक्सिमाइज देयर एथलेटिक पोटेंशियल बाय ऑप्टिमाइजिंग देयर डाइटरी इनटेक. न्यूट्रिशन इज वेरी क्रूशल. आपके सारे ट्रेनिंग स्टिमुलस बिल्कुल फेल हो सकते हैं अगर न्यूट्रिशन आपका अच्छा नहीं है. अब आप बात करते हैं जिसको ओल्डर एडल्ट्स की बात करते हैं, एक जो लोग एक सर्टेन एज को क्रॉस कर जाते हैं अबव 60 के बात कर रहे हैं. एज रिलेटेड चेंजेस इन मस्कुलर स्केलेटल स्ट्रेंथ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग फॉर ओल्डर एडल्ट्स. ट्रेनेबिलिटी ऑफ ओल्डर एडल्ट्स प्रोग्राम डिजाइन कंसीडरेशन फॉर ओल्डर एडल्ट्स. ये आउटलाइन से हमारी अब ये बात करते हैं कि एज रिलेटेड चेंजेस क्या होते हैं आपके मस्कुलर स्केलेटल हेल्थ में. लॉस ऑफ बोन मसल विद एज इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ फॉल, हिप फ्रैक्चर एंड लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी.
जो एक सर्टेन एज के इंडिविजुअल्स होते हैं जो वो 60 को क्रॉस कर जाते हैं, फिर 50 से ऊपर ही फीमेल्स में स्टार्ट हो जाता है, उनकी ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उनकी बोन बहुत वीक हो जाती है, उनका बैलेंस प्रोप्रोसेप्शन ज़्यादा अच्छा नहीं रहता, जिससे वो गिर सकते हैं, उनके हिप फ्रैक्चर या कोई लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी हो सकती है. Bones become fragile with age because of a decrease in bone mineral density and causes an increase in bone porosity. अभी basically देखा जाए तो उनकी जो bones है, मैंने आपको बताया था, वो उनकी कम हो जाती है, bone mineral density कम हो जाती है, जिससे वो easily break हो सकती है. और इसकी bone mineral density के कम होने के दो ये आपके 5 reason और होते हैं, physical inactivity. तो अगर आप फिजिकली इनएक्टिव हैं, कोई भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, या बिल्कुल ही आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल को जी रहे हैं, आप कोई भी फिजिकल वर्कआउट नहीं कर रहे, वो भी आपका मेजर रोल प्ले करता है. हार्मोनल फैक्टर्स भी करते हैं, आपके हार्मोन्स भी ऑब्वियसली सर्टेन एज के बाद 30 को क्रॉस करते ही वो रिड्यूस होना शुरू हो जाते हैं.